हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज है नेक्स्ट डे, मतलब आज है मूविंग डे. तो काफ़ी कुछ मतलब हम लोगों ने ना ठीक भी कर दिया है और निकाल भी दिया है. इस वॉल पे तो आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ पर हमने कुछ लगाया हुआ था, बिकॉज वी फिल्ड इट. और हमने कैसे फिल किया है वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगी. लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, छोटी मोटी जो चीज़ें अगर आप करते हो, लगाते हो, तो आप उसको आराम से यू नो फिल कर सकते हो. तो ये हमने कर दिया है. उसके बाद ये अभी निकालना बाकी है और बहुत सारी चीज़ें. एसी वाले भैया अभी आने वाले हैं निकालने के लिए. नाउ ये जो यूनिट है ये ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी है. अब इसमें ऐसा सामान रखा है जो डैमेज नहीं होता है. पिछले बार भी मैं ऐसे ही लेकर के आ गई थी, डैमेज होने वाला नहीं है. यहाँ पर सारे कपड़े आ चुके हैं ऑलरेडी, ये पूरा खाली हो चुका है. उसके बाद विक्की के रूम में आते हैं. तो ये है विक्की का रूम. सारे लैपटॉप वैपटॉप सिस्टम सब कुछ हट चुका है एंड यहाँ से सारी चीज़ें हट गई हैं. ये सिर्फ बेसिक सा जाना है, मतलब उन लोगों के लिए लिटरली बहुत कम काम रहने वाला है क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कर दिया सॉर्ट ऑलरेडी. फिर उसके बाद ये देखिए वहाँ से सब हट गया है, इधर से सब कुछ हटा दिया है, सब कुछ नीचे आ गया है. ठीक है, सो दिस इज़ द करंट सिनेरियो. नाउ आई एम एक्साइटेड. अब मुझे ऐसा लग रहा है बस फटाफट सामान जाए, भगवान की कृपा से वहाँ बिल्कुल अच्छे से पहुँच जाए और हम लोग भी जल्दी से जहाँ हम नए घर में जा रहे हैं, जिस भी घर में हम जा रहे हैं, वहाँ पर हम जल्दी से पहुँच जाएँ और हमारा सामान पहुँच जाए. सो यस, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. सो गाइज, हमारे जो पैकेज एंड मूवर्स हैं वो आ चुके हैं और पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है. तो एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूंगी कि हमने कौन से पैकर्स एंड मूवर्स को हायर किया है एंड कैसी पैकिंग है एंड सब कुछ है, उन सबका रिव्यू आपको मिल जाएगा. सो देखते हैं. अभी तो 10:00 पे हमारा टाइमिंग था और ये बिल्कुल ऑन टाइम आए हैं एंड पैकिंग स्टार्ट भी हो चुकी है. सो देखते हैं कब ख़त्म होता है और फिर आई अपडेट यू. ये अभी हमारी सारी फोटो फ्रेम इसमें अच्छे से पैक हो गई हैं एंड ये डेकोरेशन का स्टफ. हम लोगों का सब कुछ ऑलमोस्ट पैक हो चुका है हॉल का एंड अभी टाइम हुआ है 12:45. तो काफ़ी कुछ हमारा पैक हो गया है. ये हमारा सोफ़ा पैक हो रहा है. सो वी आर ऑलमोस्ट डन. अभी टाइम हुआ है 12:30 और फटाफट फटाफट हमारा सारा पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया है एंड इस बार हम लोगों का काफ़ी अच्छे से फास्ट पैकिंग हुआ है. सो आई एम रियली लाइकिंग इट राइट नाउ. मतलब अभी तक का तो काम काफ़ी सही चल रहा है. नाउ लेट्स सी. सो यहाँ पर हमारा काफ़ी कुछ पैक हो गया है. यहाँ पर भी काफ़ी कुछ पैक हो गया है. अभी बेडरूम 2 में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ ही गई हैं. भैया ये दबेगा वबेगा तो नहीं ना? ठीक है. तो बेड बॉक्स लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट पैकिंग चल रही है, बाकी सब कुछ आ गया है पैक. हाउ वी आर मैनेजिंग इज, हम लोग हर प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से नंबर लिख रहे हैं, लाइक दिस इज 62, दिस इज 58 एंड इस तरह से मैं बाकी की चीज़ें भी लिख रही हूँ. सो
दिस इज 59 एंड विक्की यहाँ पर अपनी एक डायरी मेंटेन कर रहा है जिसमें कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रक में रखा रहे हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. Now this is how we are managing अपना जो भी packing है because we are going to travel. थोड़ा लंबा हमारा route है. कहाँ हम जाने वाले हैं वो आपको next vlog में पता चल जाएगा. So yes and so guys ये हम लोगों के plants इस तरीके से pack हो रहे हैं. कार्टन्स में हम लोग लेके जा रहे हैं. अभी ये पूरी रैक रह गई है और यहाँ के सारे प्लांटर्स रह गए हैं. सो चले जाएंगे आराम से इस तरह के कार्टन्स में. हे गाइस तो हमारा जो पूरा सामान है वो सब कुछ जा चुका है एंड अब मैं आपको अपने घर की कंडीशन दिखाती हूँ. तो दिस इज़ आवर होम. बाकी ये पूरा खाली हो चुका है. ये पूरा खाली हो गया. प्लेट्स भी मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ. ये एक्चुअली क्लीन नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ना तो बाल्टी है ना तो झाड़ू है कुछ भी नहीं है. तो अब किसी को बोल देंगे तो वो क्लीन करवा देंगे. बाकी घर हमने बहुत अच्छे से सब कुछ क्लीन करवा दिया है और ये यूनिट हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज इसके बाद जो टेनेंट्स आने वाले हैं दे बॉट दिस वन. और नाउ दिस इज़ द किचन. एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है सब कुछ. बाहर का भी हमने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है. एंड लुक एट द सिचुएशन कि हम यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें भूल चुके हैं. उसके बाद ये है दूसरा रूम जो कि पूरी तरह से क्लीन हो चुका है. एंड ये भी भूला जा चुका है. मतलब पता नहीं अब कार में कितना सामान जाएगा. उसके बाद ये है हमारा मास्टर बेडरूम. वो भी हमको लेके जाना है. ऊपर जो ट्राईपॉड्स हैं वो लेके जाने हैं. बाकी सब कुछ एकदम क्लीन हो गया है. जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं. एकदम क्लीन करके जा रहे हैं. सो वी आर डूइंग द जस्ट लास्ट क्लीनिंग बिकॉज ये वाली जो हमारी यूनिट है ये यहाँ पे अब जो टेनेंट्स आने वाले हैं वो रखने वाले हैं. तो हमने लिटरली इसको अभी मैंने घिसा है और विक्की अगर लास्ट में पेपर से क्लीन कर रहा है ताकि उनको एकदम साफ सुथरी मिले, ऐसे गंदी संदी ना मिले. और पूरा घर अब मैंने फिर से एक और बार झाड़ू लगा दिए. झाड़ू यहीं छोड़ के जा रही हूँ मैं. और मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हेयर ये भी मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ. ओके गाइस तो अभी एक लास्ट बार आई एम गोइंग टू शो यू द व्यू फ्रॉम दिस विंडो बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम जब मैं इतने हाई राइज पर रह रही हूँ. गई नहीं हूँ, रह रही हूँ. और बहुत ही अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया है इस घर में. 6 मंथ इस घर के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे. आई विश जो भी यहाँ पर आए ना जितनी खुशी और पॉजिटिविटी हमको मिली है उतनी ही खुशी और पॉजिटिविटी उनको मिले. गुड वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी हम इस घर में छोड़ के जा रहे हैं. सो आई होप जो भी आए उनके लिए भी ये घर उतना ही अच्छा एंड खुशी दे उनको बहुत सारी. सोएंगे हम लोग. सोने का इंतज़ाम हमारा कहीं और है तो हम लोग वहाँ जाते हैं और फिर आप लोगों से अब मैं मिलती हूँ डायरेक्टली आई थिंक कल सुबह क्योंकि नाउ माय बैटरी इज ऑलमोस्ट डाइड. सो कल मिलते हैं लोग. जाना महाराज की जय. तो हम लोग निकल चुके हैं. ये हमारा पीछे पूरा बोरिया बिस्तर. ये औरत ना सच बता रहा हूँ इसका बस चल रहा तो ये इसके ऊपर भी सामान बनवा करके लेके. सुनो मैं बताती हूँ इस बार दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं विक्की को बोल रही थी ये भी जाने दो ट्रक में ला दो. ये आदमी ने सब कुछ रखवाया यहाँ पे. मेरा सारा सामान मेरी गाड़ी में जाएगा. हाँ तो अब बताओ मुझे वर्क स्पेस के सामने जो ड्रॉर होते हैं ना ड्रॉर्स में जैसे अपन छोटा मोटा बेसिक इसने वो तक कार में रखा हुआ है. अब फिर मैं और फिर मुझे बोल रहा है मैंने सिर्फ मात्र अपनी रिंग लाइट ट्राईपॉड और एक ट्रॉली है जिसमें हम दोनों के कपड़े हैं मतलब बेसिक से क्योंकि ट्रक तो 2-3 दिन में आएगा तो वहाँ पे भी चाहिए रहेंगे ना. तो वैसा हमारा मेरा बेसिक सा सामान है और इसने सब कुछ रखा है इस बार. इसकी वजह से भरा इसको मेरी जैसी आदत हो गई है. और मैं अभी सो के उठी तो मैंने चेहरा भी नहीं वॉश किया है. चेहरा भी वॉश नहीं किया है. मुझे खुशी लग रही है. ठीक है अभी हमारी जर्नी थोड़ी लंबी है आज जो है देखते हैं कब तक पहुंचते हैं. हम लोग वैसे आज उठने वाले थे सुबह कितने बजे उठने वाले थे अपन. हम 5 बजे की उठे. नहीं हमारा प्लान था कि हम 6 बजे निकल जाएंगे लेकिन हम उठे 5 बजे. अलार्म बजा था. कल हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे कि सुबह हिम्मत ही नहीं हो रही थी. मतलब मेरी भी आँख खुली विक्की की भी आँख खुली फिर विक्की भी सो गया तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि सोने देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी ट्रैवलिंग करानी है इसको भी. एक घंटा लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं.
ओके गाइस, तो हम लोग रास्ते में हैं और काफी कितना जर्नी अपन ने कवर कर लिया अभी तक, 12 आवर्स में से हमने 6 आवर्स कवर कर लिए हैं, अभी और 7 घंटे बाकी हैं वैसे। हाँ, अभी 50% बाकी, हम आधा रास्ता कवर करे हैं और अभी टाइम हो रखा है 1 बज गया है, तो शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम रात होने से पहले 7 बजे से पहले हमारी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएँ। तो मैंने कल बोला था ना कि मैं आप लोगों को एक और स्टोरी, एक और कांड सुनाने वाली हूँ जो इस बार इस सोसाइटी में हम लोगों ने फेस किया। तो लास्ट सोसाइटी वाला, अगर आपने मेरा शिफ्टिंग वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था, एक इशू एड्रेस किया था, जब आप शिफ्ट करते हो एज अ टेनेंट इफ यू लिव इन मुंबई, आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो जो पिछले बार हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ था, किसी ने हमको हमारे मुंह पे किसी ने कुछ नहीं बोला था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया था, एंड यू नो नॉर्मली उन्होंने थोड़ा ड्राइवर के साथ इशू क्रिएट किया था, बट हमारे साथ कोई रूड नहीं हुआ था, किसी ने हमारे साथ मिसबिहेव नहीं किया था। नाउ कमिंग टू अभी जो हमारी कल वाली शिफ्टिंग हुई है, तो इस सोसाइटी के रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बताती हूँ। हमको पहले तो वॉचमैन का फोन आया, वो हमको बोलते हैं सिर्फ 12 से 2 का शिफ्टिंग का टाइम है, एंड आई वाज लाइक है 4 पर तुम शिफ्ट कर रहे हैं क्या कि 12 से 2 का शिफ्टिंग का टाइम है। तो वॉचमैन तो देखो उनको तो आप कुछ बोल नहीं सकते, उनको जो ऑर्डर्स आते हैं वो फॉलो करते हैं। तो हमने वॉचमैन को बोला कि आप हमको बता दो किससे बात करनी है, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने उनको कॉल किया, वो लेडी जिनसे भी हम विक्की को बात करनी थी, कमेटी मेंबर थे वो, जो भी थी वो, मुझे नहीं पता, विक्की ने उनसे कॉल पे बात करी एंड उन्होंने हमको टाइमिंग दिया 12 to 5। हमने हमारे जो कुरियर वाले आए थे मूवर्स एंड पैकर्स, हमने उनसे पूछा कि कितने बजे तक आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, तो दे सेड कि मैडम 3 बजे तक अपन लेके चलते हैं, 3 से 4 के बीच में ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा ठीक है चलो 5 बजे तक अपना सारा शिफ्टिंग खत्म हो जाएगा, जबकि हमको ये बात पता था जब हम 1 BHK से 2 में आए थे ना, तो हमको शाम है ना 7 बज गया था, आराम से 7:30-8 बज गया था, बिकॉज मेरे घर में ना ऐसे बहुत सामान नहीं है, लेकिन जो छोटा छोटा सामान होता है ना, स्टोरेज हमारे पास बहुत सारा है, तो उस स्टोरेज के अंदर भी बहुत सामान होता है, तो एक एक सामान को पैक करना बहुत टाइम लग जाता है। शिफ्टिंग इज नॉट ऐसे हलवा पूरी नहीं है कि 4 घंटे में हो गया, ख़त्म कर दिया ये वो। तो फिर भी उन लोगों ने जो मूवर्स एंड पैकर्स हैं, दे डिड अमेजिंग जॉब, उन्होंने बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ी एंड 3:30 बजे तक सब कुछ खत्म कर दिया, मतलब हमारे घर की पूरी पैकिंग खत्म हो चुकी थी। अब टाइम आता है नीचे करने का, मतलब नीचे रखने का। नाउ आई स्टेड इन 20th फ्लोर, मतलब मैं 20वें माले पे रहती थी, तो ऑब्वियसली एक लिफ्ट हम लोग यूज़ कर रहे थे और एक लिफ्ट को फ्री रख रहे थे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो जो एक लिफ्ट यूज़ कर रहा था, अब इंसान एक लिफ्ट में कितना सामान आएगा, 4 सामान से ज़्यादा कोई सामान नहीं आ रहा था, 5 बॉक्सेस से ज़्यादा वो लेके नहीं, कम से कम मेरे सामने उन लोगों ने 40 to 45 चक्कर मारे हैं, तब जा करके वो पूरा सामान 4:30 तक उसने स्पीड में नीचे रख दिया था। हमारा मतलब हमको लगा हो गया, 4:30 तक सारा सामान नीचे खत्म लग गया था और ट्रक आ गया था हमारा, तो मतलब अब ट्रक पे चढ़ने का टाइम होता है, ट्रक पे लगाने का तो उसमें लगता है 1 घंटा लगता है। दैट लेडी केम डाउन टू अस एंड एट 4:45, 5 भी नहीं बजा था है ना, 4:45 पे वो लेडी आई हमारे पास और इतनी बदतमीजी से, मतलब शी लिटरली येल्ड ऑन अस। उसका टोन स्टार्टिंग ऐसा था, स्टार्टिंग टोन इस तरीके का था, अरे आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या, आपको बोला था मैंने 5 बजे तक, एकदम दादागिरी टाइप की टोन की थी एंड उसका टोन ही ऐसा था, अरे आपको समझ में नहीं आता 5 बजे तक मैंने बोला था ना आपको, आपने अग्री भी किया था, और ऐसे ऐसे करके वो इतनी तेज चीख रही थी कि मुझे लगता है 5 बजे से झगड़ा नहीं करते वैसे उसने स्टार्ट किया। विक्की काफी ज्यादा पोलाइटली उससे बात कर रहा था, जो कि वो डिजर्व नहीं करती थी, बट हम लोगों को ऐसा था कि यार क्यों फालतू में मुंह खराब करना है किसी से लग करके। तो हमने ना, विक्की ने बहुत शांति से बोला कि मैम मैंने आपका लिफ्ट तो पूरा खाली कर दिया है, लिफ्ट तो हमारी तरफ से इंगेज नहीं है ना अभी, इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, शिफ्टिंग में ऊपर नीचे होता ही है। जब उसने दूसरी बार फिर चिल्लाया, अरे पर आपको मैंने बोला था ना 5 बजे तक आपको ख़त्म कर देना चाहिए था, तो मैं अंदर आई, ठीक है, मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि अरे मैम, जैसे मैंने उसको अरे मैम बोला, वो मुझे हाथ दिखा के बोलती है आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैंने कहा ओ हेलो इज माय हस्बैंड, तो बोलती है आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तो विक्की ने मुझे हाथ दिखा दिया कि मतलब मत इंटरप्ट करो फालतू में, मैं समझ गई इसका इशारा कि मैं इसके मुंह नहीं लगते हैं वैसा वाला। तो विक्की ने फिर उसको एक और बार, ना तो टाइम लगेगा ही लगेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमने जितना ट्राई करना था हमने उस पर नीचे सामान लेके आ गए, ना प्लीज कोऑपरेट, बस इतना बोल दिया। फिर वो अपना बड़बड़ इधर उधर करती रही। उसके बाद वो गई एक और दूसरे, हमारे कल सोसाइटी में मैक्स का लाइफस्टाइल का एग्जीबिशन लगा था, स्टॉल्स टाइप लगा था, ठीक है, वहां पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो वहां पर एक और कोई कपल थे जिनकी पार्किंग के सामने
सामने इन्होंने वो स्टॉल लगा दिया था, तो वो कपल से फिर भिड़ी, उससे तो उनकी जो लड़ाई हुई है बाप रे बाप, मतलब ऐसी लड़ाई हुई है। वो बंदे ने बहुत सही पॉइंट बोला था, कोई गलत नहीं बोला था, कि आप मेरी परमिशन के बिना मेरी पार्किंग के सामने स्टॉल लगा रहे हो, अगर मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मेरी मम्मी को कैंसर है, मुझे कभी भी हॉस्पिटल भगना पड़ सकता है, उनने ना ये पॉइंट बोला था। वो लेडी सुनने को तैयार नहीं, फिर उसने फिर से उस बंदे की वाइफ आई, उसने भी कुछ बोला, तो ये उसको भी सेम डायलॉग बोल दिया, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। उस लेडी ने तो जो चिल्लाया है, मुझे मजा आ गया सुनकर, मैंने कहा ऐसे लोगों को ना ऐसे डील करने वाले होने चाहिए, वो चिल्लाई कहते हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस, आप तो चढ़े आ रहे हो हमारे ऊपर, बात कर सकते हो ना। और फिर जब वो लोग चले गए, झगड़ा वगड़ा बहुत देर तक हुआ, मतलब आधे घंटे उन दोनों का, दोनों ने खूब झगड़ा किया। उसके बाद उनके बच्चे दोनों नीचे आए, हस्बैंड नीचे आए, तो वो अपने हस्बैंड को ऐसे बता रही थी कि अरे इसकी माँ को कैंसर है, बोल रहा है मुझे कल मर जाएगी इसकी माँ। पता है व्हाट उनके हस्बैंड ने क्या बोला हमारे सबके सामने, सबने सुना, मतलब हम मैक्स के एम्प्लॉयज थे, हम सब थे, क्योंकि बहुत तेज तेज चीखा चाकी हो रही थी। उसके हस्बैंड ने लिटरली बोला मर जाए कल, और हंसने लगे सब लोग। गंदा और बहुत अजीब और बहुत ऐसा लग रहा था, मैं विक्की को बोल रही थी कैसे लोग हैं यार, तो देख के इतना दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया, मतलब मैंने कल सबको फोन कर करके बताया कि ऐसे भी लोग होते हैं, पढ़े लिखे इतने महंगे महंगे घरों में रह रहे हैं, एंड इनमें एटिकेट्स मैनर्स और पोलाइटनेस हम्बलनेस जो होती है ना वो जीरो है, लिटरली जीरो है। तो ऐसा नहीं कि सब लोग ही ऐसे हैं, बट ऐसे भी लोग हैं। हाँ, जब मैं पहुंच जाऊंगी पूरा आपको होम टूर दूंगी, हमारा होम सिलेक्ट हो चुका है, हमारा घर जो है वो फाइनलाइज्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो उसका होम टूर आएगा डायरेक्टली आप लोग। हे गाइस, तो हम लोग जो नई सिटी जहां पर हम मूव होने वाले हैं वहां पर पहुंच गए हैं, एंड अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलूंगी गाइस आपको एक नए सस्पेंस एंड सरप्राइज के साथ जल्दी ही, सो स्टे ट्यून्ड और बाय।